ऑस्ट्रेलिया में एक में, हाँ। अटैक हुआ, और इस हवाले से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वहां पर कुछ लोग, अच्छा कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 लोग और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 लोग जो हैं वो उससे मुतासर हुए, बिल्कुल। और एक पाकिस्तानी ऐसा है कि जिसने वहां पर लोगों की खुद की जान बचाने की कोशिशें की, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो है हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट एक है। पाकिस्तानी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो जहां भाग हो चुका है, दूसरे पाकिस्तानी के हवाले से बात हो रही है कि वो भी हॉस्पिटल में। हमारे साथ जाहिद हफीज साहब मौजूद है, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया, उनसे हम बात करते हैं और इस मामले के बारे में मजीद मालूम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हफीज साहब। जाहिद हफीज साहब हमें नजर आ रहे हैं लेकिन जाहिद साहब की आवाज हमें नहीं आ रही। जाहिद साहब अगर आप दोबारा एक मरतबा कुछ कहकर बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जी कैन यू हियर मी नाउ? जाहिद साहब बिल्कुल बिल्कुल वी कैन हियर यू नाउ। सर अगर आप हमें थोड़ी सी इस वाक्य की, इस नाखुशगवार वाक्य की जरा तफसील से आगाह करें कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी इस मामले में कितने इन्वॉल्व थे, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक पाकिस्तानी जो है वो इस हवाले से जाँ बहक हुआ इस हमले में और एक पाकिस्तानी गार्ड जो है वो जख्मी है। जी ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में पेश आया। इस वाकये में एक चाकू बरदार जो शख्स था जिसका नाम जोयल आइडेंटिफाई हुआ, उसने मुख्तलिफ जो है वो अटैक्स में 6 लोगों की डेथ हुई है और 12 लोग उसमें ज़ख्मी हुए। जिन लोगों की डेथ हुई उसमें एक पाकिस्तानी फराज अहमद ताहिर भी हैं और जो ज़ख्मी हुए मोहम्मद ताहा, लेकिन मोहम्मद ताहा की अब हालत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खतरे से बाहर है, वो सिडनी के एक मकामी हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। सही है। और ये जो फराज हैं वो लोगों को बचा रहे थे, वो चाकू से हमला करने वाले को रोक रहे थे? जी फराज यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के फराइज अंजाम दे रहे थे, वो जॉब कर रहे थे वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उसे जो है वो कन्फ्रंट किया और बहुत सारे और लोगों की जाने बचाने का सबब बने। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम जी। बिल्कुल जी। अच्छा अब उनकी जो फैमिली है उनसे आप रबते में हैं? जी बिल्कुल हम उनसे रबते में हैं। उनके एक भाई इंग्लैंड में होते हैं, मेरी उनसे फ़ोन पे मुतअद्दिद बार बात हुई। एक भाई उनके पाकिस्तान में है, उनसे बात हुई तो इनिशियली उन्होंने हमें कन्वे की थी अपनी डिज़ायर कि उसके मॉर्टल रिमेन्स को वो पाकिस्तान लेके जाना चाहेंगे बरेल के लिए, तो उसमें हमने उन्हें अपनी ताउन की यकीन दहानी करवाई। हमने कहा जी हाई कमीशन फॉर पाकिस्तान जो है उसके तमाम इंतजामात करेगा और उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा वो भी हम बेयर करेंगे जी। चले तो बड़ी खुशाइन बात अच्छा है। जो दूसरे साहब हैं जो जख्मी हाँ। थे उनके बारे में बताइए, क्या वो भी गार्ड ही थे वहीं पर? और जी वो भी वहां पर जी जी वो भी वहां पर गार्ड थे, बल्कि ये जो सिक्योरिटी कंपनी है दैट इज आल्सो ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी। अच्छा मेरी उनसे भी बात हुई, बल्कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें मिली वो उन्हीं से मिली, तो उसमें वो भी हॉस्पिटल भी गए और बाकी कुलीग भी। मैं खुद जाती तौर पर भी उनके पास जा रहा हूँ जी हॉस्पिटल उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, तो हमारी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स के साथ भी हमारी बात हुई है जो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जी उन्हें जो है वो जख्म आए लेकिन उनकी हालत जो है वो अब खतरे से बाहर है। ही इज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल नाउ। चलें अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छी बात है। अच्छा जाहिद साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। कल मैं एक खबर पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को यूके ने डेंजरस कंट्रीज की लिस्ट में डाला है, दूसरी तरफ मैं पढ़ रही थी नॉर्वे ने पाकिस्तान को डेंजरस कंट्रीज की लिस्ट से निकाला है, और साथ ही साथ मैंने जब ये ऑस्ट्रेलिया वाले वाकये की तफसीलात पढ़ी तो सारी दुनिया में मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद यूके में भी इस किस्म के हेट क्राइम्स बड़े होते हैं। मैं पढ़ी हुई हूँ वहाँ पे, मुझे पता है अमरीका में तो हम वैसे सुनते रहते हैं कि फलस्तीन और गाजा के मामले के बाद वो वहाँ पर हेट क्राइम या मुस्लिम्स के खिलाफ इस किस्म की वारदातें जो है वो ज़्यादा हो गई। पूरी दुनिया में ही एक क्राइम्स का सिलसिला जो है, पहले वक्तों में जब हम कहते थे कि फलां मुल्क सेफ है या फलां मुल्क सेफ है, तो अब कोई भी मुल्क इस तरह का सेफ नहीं लगता। तो जब आप पाकिस्तान से मुतालिक इस किस्म की खबरें पढ़ते हैं एज एन एम्बेसडर या एज अ हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान टू दैट स्पेसिफिक कंट्री, तो आपको कैसा लगता है कि हर जगह वही क्राइम हो रहा है जो शायद पाकिस्तान में होता है? यहाँ पर हो सकता है फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी ममालिक भी बड़े सेफ हैं लोगों के लिए, तो फिर हमें लिस्टों में डाल देते हैं और बाकी ममालिक के खिलाफ जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस पर वैसे आपका क्या टेक है?
नहीं, सबसे पहले तो ये कि जी हर कंट्री जाहिर है कि उसका अपना एक ये प्रीरोगेटिव होता है कि वो थ्रेट असेसमेंट अपनी किस तरह करते हैं, अपने शहरियों के लिए जो एडवाइजरी इशू करते हैं वो अकॉर्डिंगली करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो उस लिहाज से बहुत एक महफूज मुल्क है, बहुत ही मोहब्बत करने वाले हमारे लोग हैं। इट्स अ लैंड, ब्यूटीफुल लैंड एंड अ कंट्री ऑफ ब्यूटीफुल पीपल। पाकिस्तान में कुछ जो है वो दहशत गर्दी के वाकया जो है वो हमने देखा हुए बिल्कुल, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने एक भरपूर हमारी जो दहशत गर्दी के खिलाफ एक मुहिम है, और बहुत कामयाब हमने हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं हमने इन आर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। उसमें ना सिर्फ हमने अपने लोगों को महफूज किया बल्कि बाकी दुनिया को भी हमने एक महफूज मुकाम बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बिल्कुल पाकिस्तान ने जो हमारी कुर्बानियां हैं दहशत गर्दी के खिलाफ वो पूरी दुनिया में जानी भी जाती हैं और एक्नॉलेज भी की जाती है। लेकिन जहाँ तक क्राइम की बात है, पाकिस्तान जैसा मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से ममालिक जो है वो उनके डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो मौजूद हैं, वो सफारतकार अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं पाकिस्तान में। बहुत सारे गैर मुल्की सयाह जो है वो आते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन पाकिस्तान में इस वक्त आ रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा कि पाकिस्तान को किसी एक खास नज़रिए से देखा जाए सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि इस क्राइम करने वाले शख्स के हवाले से अभी तक क्या मालूमात सामने आई है, क्योंकि जाहिर है उसको मार तो दिया पुलिस ने, लेकिन उसके बारे में क्या पता चला कि वो क्यों मोटिवेट हुआ इस क्राइम की वजह से, क्या उसका बैकग्राउंड था? अच्छा, उसमें जो अभी तक इनिशियल इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये तो नहीं कोई इंडिकेशन मिली कि उसका कोई जो है वो टेररिज्म रिलेटेड एस्पेक्ट हो इस सारे वाकये का, या उसकी कोई रिलीजियस मोटिवेशन हो, वो उसकी कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं मिली है। जो एक बात सामने आई है वो ये है कि उसका मेंटल हेल्थ इश्यूज बिल्कुल थे। ही वॉज ऑलरेडी नोन टू द पुलिस एंड ही वॉज नोन टू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज। बिल्कुल ठीक बिल्कुल सर, सही, बहुत शुक्रिया बहुत अदा शुक्रिया। करेंगे जी। जाहिद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इन ऑस्ट्रेलिया, और हमें इसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़ाहिर एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, बिल्कुल और पाकिस्तानियों के हवाले से एक बात तो ये सामने आई कि वो चूंकि वहाँ पर गार्ड के काम पर मामूर थे, तो उन्होंने अपने काम का पास रखा और उस शख्स को रोकने की कोशिश की, लोगों को बचाने की कोशिश की। उसमें ज़ाहिर जिस तरह से जाँ बहक हुए, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, और ज़ाहिर ये तो एक नागहानी यूँ कहने की शहादत की ही बिल्कुल मौत है, और बाकी जो दूसरे हमारे पाकिस्तानी भाई वो ठीक है, अल्लाह करे कि वो मज़ीद बेहतरीन सेहतियाब हो, और वो भी पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं जी।